असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज़ दी थर्टी फिफ्थ लेक्चर इन ए सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप चला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्ट रजिस्टर्स पर बात की थी और एक बड़ा क्विक रिव्यू लिया था हमने डिफरेंट शिफ्ट रजिस्टर्स के सीरियल और पैरल आज इनशाला हम बात करेंगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन implementation, दो इम्प्लीमेंटेशे इससे पहले कि हम इम्प्लीमेंटेशन पर बात करें आइए पुराने टॉपिक्स को ज़रा रिव्यू कर लें हमने रजिस्टर्स को डिफ़ाइन किया था कि वो इंफॉमेशन को स्टोर करते हैं और दूसरा जो काम है इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट करते हैं सो डिफरेंट टाइप के हमारे पास रजिस्टर्स हैं जिनको हम शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे अगर वो इन्फॉमेसन को शिफ्ट कर सकते हैं सो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सीरियल एन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स वन बिट एट अ टाइम एंटर होगी और वन बिट एट अ टाइम आउटपुट होगी हर क्लॉक ट्रांजेक्शन पर जो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स हैं शिफ्ट रजिस्टर जो हैं वो शिफ्ट जो इन्फॉमेसन है वो शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे या शिफ्ट राइट right करेंगे सो so बेसिकली दो किस्म के आपके पास शिफ्ट रजिस्टर हैं शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट उसके बाद हमने देखा था कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हमने शुरू में एक शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया था जो कि हमने जे के फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से किया था लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आप कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से आप एक शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं और इनफैक्ट हमने एक डी फ्लॉप की मदद से शिफ्ट रजिस्टर बनाया था उसको देखा था फोर बेल्ट रजिस्टर नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है और राइट शिफ्ट रजिस्टर है दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखें आरक, उसका सर्किट डाइग्राम देखें दोनों का सिमिलर है अपने सिंपली जो कनेक्शन है वो उल्टे कर देने एक डायरेक्शन में लेफ्ट करेगा और अगर कोनेक्शन उल्टे कर दिए तो राइट right डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की बात की थी कि उसमें एक कंट्रोल पिन होगी जिससे आप कन्फिगर कर सकते हैं सर्किट को शिफ्ट लेफ़्ट करने के लिए या शिफ्ट राइट करने के लिए तो उसका हमने एक सर्किट डायग्राम देखा था यूनिवर्सल शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट रजिस्टर का उसके बाद हमने देखा था कि एक सीरियल इनपुट और पैरल आउटपुट रजिस्टर सीरियल इनपुट बेसिकली वन बिट एट ए टाइम आप एंटर कर रहे हैं हर क्लॉक ट्रांजेक्शन पे उसके बाद जो ही सारा डाटा जो है इंफॉर्मेशन जो है शिफ्ट रजिस्टर में एंटर हो जाएगी आप पैरल में उसको पढ़ सकते हैं या, या यूज़ कर सकते हैं अगेन डिफरेंट रजिस्टर्स की हमने सेकेंड uh, डायग्राम हम देखा था और जो एम चिप हैं जो बने बनाए आपको चिप्स अवेलेबल हैं उनको देखा था कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं एक तीसरी टाइप का जो रजिस्टर है वो है पैरल इन और सीरियल आउट बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो पैरल में आप लोड करेंगे और फिर क्लॉक ट्रांजेक्शन पे आप सीरियली उसको आप पढ़ सकते हैं सो वन बेट एट ए टाइम वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी अगेन इनका हमने स्टडी किया था कि जो एम चिप हैं वो कैसे हैं और कैसे काम करते हैं आखिरी जो शिफ्ट रजिस्टर था वो हमने कहा था कि पैरल इन और पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर है ये शिफ्ट ऑपरेशन नहीं करता आपने जो पैरल इनपुट है उधर डाटा अप्लाई किया जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर होगी और वो पैरल आउटपुट पे अवेलेबल है अगेन इसकी अब डिफरेंट टाइप्स हैं एक हमने शिफ्ट बेसिकली रजिस्टर की बात की थी जो पैरल इन है पैरल आउट है पर साथ में वो सीरियल इनपुट कर सकता है और सीरियल आउटपुट भी कर सकता है तो इसको हमने कहा था एक यूनिवर्सल रजिस्टर है तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं पैरल इन से आप लोड डाटा लोड कर दें और सीरियल आउट कर दें या सीरियल इन से डाटा लोड कर दें पैरल आउट कर दें या पैरल इन से लोड करें और पैरल आउट कर दें सो डिफरेंट कॉम्बिनेशनस हैं आपके पास शिफ्ट ऑपरेशन के बाद हमने रोटेट ऑपरेशन देखे थे रोटेट ऑपरेशन बेसिकली दो टाइप के हैं रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट रोटेट ऑपरेशन ऑपरेशन जो हैं करेंगे कैसे बेसिकली वही सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट जो शिफ्ट रजिस्टर है उसको यूज़ करना है जो आउटपुट पिन है उसको आपने इनपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देना है सो so, जो सीरियल आउट से इंफॉर्मेशन आ रही है वो इनपुट पे अप्लाई हो रही है क्लॉक ट्रांजिशन पे जो फ्लिप फ्लॉप है उस इन्फॉर्मेशन को लैच कर देगा सो so, आप दो किस्म के शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं जो शिफ्ट लेफ़्ट करता है या शिफ्ट राइट right करता है सो so, इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली इन शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हुई है और वो आउटपुट से इनपुट की तरफ वापस आ रही है तो जो भी पैटर्न है वो बार बार रिपीट होगा सो so, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं कि रोटेट ऑपरेशन है अब इस रोटेट ऑपरेशन से और इन शिफ्ट रजिस्टर की मदद से हम दो किस्म के काउंटर बनाते हैं जो काफ़ी कॉमनली डिजिटल लॉजिक में यूज़ होते हैं एक को हमने कहा था जॉनसन काउंटर और दूसरे का नाम था रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर में हमने बेसिकली ये किया था कि लेट्स लट्सपोज बिट हमारे पास काउंटर है जो लास्ट काउंटर है उसका क्यू बार आउटपुट जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया था पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ सो so बेसिकली जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो वापस री सर्कुलेट होके पहले फ्लिप फ्लॉप के पास आ रहा है और क्लॉक ट्रांजेक्शन में वो लैच हो रहा है बेसिकली इसका ऑपरेशन क्या होगा जॉनसन काउंटर का इनिशियली हम इस काउंटर को रीसेट कर देंगे सारी जीरो वैल्यूज़ पे जो ही हम एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये पैटर्न जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा और पैटर्न चेंज होता रहेगा सो so, आप कंटिन्यूसली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि जीरो से पैटर्न वन पे चेंज हो जाता है सारे वंस आ जाएंगे और फिर जब सारे वंस हो जाएंगे उसके बाद सारे जीरोज आ जाएंगे सो so, ये डिफरेंट पैटर्न्स सर्कुलेट करेंगे और जैसे हमने देखा था फोर बेड जॉनसन काउंटर जो है एट यूनिक पैटर्न आपको देता है इसके बाद हमने रिंग काउंटर की बात की थी रिंग काउंटर जो है वो सिमिलर है टू द जॉनसन काउंटर रिंग काउंटर का जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू आउटपुट जो है उसको हमने पहले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ सो so बेसिकली हम इस काउंटर को री सेट कर देते हैं सच दैट सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट पर जीरो आ जाता है सवाए एक के सो so जो पहला फ्लिप फलॉप है या आखिरी फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट पर हम वन रखते हैं जो ही हम क्लॉक बस अप्लाई करेंगे ये पैटर्न जो है शिफ्ट करेगा और जो आउटपुट पे इंफॉर्मेशन है वो वापस इनपुट पे जाएगी और पहला फ्लॉप जो है इस इनफॉर्मेशन को लैच कर देगा सो इसको आप कंटिन्यूसली अगर पल्सेस देंगे क्लॉक पल्सेस देंगे आप एक पैटर्न देखेंगे जो कि रिपीट हो रहा है सो so, एक फोर बिट रिंग काउंटर के फोर डिफरेंट पैटर्नस होंगे उसमें वन जो है वो बेसिकली सर्कुलेट कर रहा होगा एक हमने इसकी बात की थी कि यूज़ कहाँ करेंगे शुरू में अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि काउंटर्स की मदद से हम डिफरेंट सर्किट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सो डिफरेंट सर्किट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने काउंटर के आउटपुट पे एक डी लॉजिक लगाया था लेट्स से स्टेट थ्री पे एक सर्किट सेलेक्ट होता है सो स्टेट थ्री कैसे रिकग्नाइज करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट लगाएंगे काउंटर के आउटपुट पे जो ही थ्री होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा सर्किट को सेलेक्ट कर देगा उसमें जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी वो थी बेसिकली प्रॉपिकेशन डिले की वजह से ज़रूरी नहीं है जो काउंटर प्रॉपरली एक सीक्वेंस से काउंट करे सो so, उधर एक गलती हो सकती है रिंग काउंटर का फ़ायदा ये है कि उसमें एक आउटपुट किसी एक वक्त में सिर्फ एक ही वन होगा बाकी ज़ीरो होंगे सो so, यही जो चार पेट का रिंग काउंटर है तो चार ही वन हैं जो बारी बारी आ रहे हैं सो so, इनसे डायरेक्टली आप डिफरेंट सर्किट्स सिलेक्ट कर सकते आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट ए सीरियल टू पैरल कन्वर्टर हमने शुरू में बात की थी कि जब इन्फॉर्मेशन आप रिमोटली ट्रांसमिट करते हैं एक एंड से किसी दूसरे एंड पे भेजनी है तो उसको पैरल इन्फॉर्मेशन को सीरीज़ में सीरियल इन्फॉमेशन में कन्वर्ट करते हैं उसका हमने एक बेसिक सर्किट देखा था कि आपको एक रजिस्टर चाहिए जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे और उसके बाद एक मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट कर देंगे तो मल्टीप्लेक्सर जो है एक बिट उठाएगा रजिस्टर में से और उसको ट्रांसमिट कर देगा इसी तरह दूसरे एंड पे हमने एक सर्किट बनाया था डी मल्टीप्लेक्सर और रजिस्टर डी मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे एक एक बिट आएगा और उसके आउटपुट पे वो अरेंज होता जाएगा रजिस्टर में स्टोर करता जाएगा सो so बेसिकली एक कॉम्बिनेशन हमने यूज़ करनी है रजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर की या डी मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर की अब अभी जैसे हमने पढ़े थे शिफ्ट रजिस्टर्स इन सारे सर्किट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं शिफ्ट रजिस्टर से सो so, जो ट्रांसमीटर uh, है जहाँ एक मल्टीप्लेक्सर और एक रजिस्टर लगाया हुआ है उसको हम बेसिकली किससे रिप्लेस करेंगे एक शिफ्ट रजिस्टर है जो पैरल लोड हो रहा है पैरल एन एंड सीरियल आउट है इसी तरह जो आउटपुट पे है जहाँ सीरियल इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो कौन सा रजिस्टर होगा बेसिकली सीरियल इन एंड पैरल आउट इससे पहले कि हम इस सर्किट को डिस्कस करें आइए ज़रा देख लेते हैं कि सीरियली डाटा ट्रांसमिट होता कैसे है बेसिकली सीरियली जब डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उनको एक कैरेक्टर की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है ए सिंकोनस ट्रांसमिशन में दो किस्म की ट्रांसमिशन होती है सिंकोनस एंड ए संकोनस तो हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो है ए सिंकोनस ट्रांसमिशन की बेसिकली जो डाटा है वो एड बिट की इन्फॉर्मेशन होगी उसमें पैरिटी बिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता सो एड बिट इन्फॉर्मेशन होगी इसको भेजने से पहले हमने दूसरे एंड पे रिसीवर एंड पे हमने बताना है कि ये एड बिट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको अब कैसे पता लगेगा नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसपे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं वो लॉजिक हाई पे सेट हुई हुई है सो so, रिसीवर उस लाइन को मॉनिटर कर रहा है अगर लॉजिक हाई पे है तो उसको ये पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही जो ही हम ट्रांसमीटर एंड से उस एड बिट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो एड बिट इन्फॉर्मेशन से पहले हम जो लाइन की स्टेट है उसको लो कर देंगे लॉजिक लो कर देंगे ये कैसे होगी जो एट बिट इन्फॉर्मेशन है उसके शुरू में हम एक स्टार्ट बिट अपेंड कर देंगे स्टार्ट बिट की जो लॉजिक लेवल है वो लो है इसी तरह जब हम स्टार्ट बिट भेजेंगे रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद वो आठ बिट्स जो आ रही हैं वो वन हो सकती हैं ज़ीरोज हो सकती हैं वो पड़ेगा उसके बाद हमने ये बताना है कि ये जो कैरेक्टर है एट बिट का ये एंड हो गया ख़त्म हो गया वो कैसे बताएँगे हमने जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन है उसका लॉजिक वापस हाई पे करना है सो एट बिट इन्फॉर्मेशन के बाद दो दो जो हैं स्टॉप बिट्स हम अपेंड करते हैं स्टॉप बिट्स की लॉजिक लेवल हाई होती है सो so, बेसिकली हर करेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक स्टार्ट बिट चाहिए और दो स्टॉप बिट्स चाहिए तो ये टोटल एलेवन बिट्स की इन्फॉमेसन हो जाएगी सो so, उसके बाद अगर हमने दूसरा कैरेक्टर भेजना है अगेन एट बेट का कैरेक्टर होगा उसके आगे एक स्टार्ट बिट होगी और उसके बाद में दो स्टॉप बिट्स होंगे आइए देखते हैं इस कैरेक्टर का फॉर्मेट और उसके बाद हम सर्किट पे डिस्कशन करते हैं डायग्राम में सीरियल डाटा फॉर्मेट दिखाया गया जो कि एलेवन बेट का फॉर्मेट है सबसे पहले स्टॉप बिट है जो कि हमेशा ज़ीरो होगी उसके बाद आठ डेटा बिट्स आ रही हैं जो कि ज़ीरो या वन हो सकती हैं एंड में दो स्टॉप बिट्स होंगी जिन दोनों की लेवल जो है लॉजिक हाई है वन है अब हम देखते हैं सीरियल टू पैरल सर्किट सीरियल टू पैरल सर्किट बेसिकली सीरियल इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा उसको पैरल फॉर्मेट uh, में स्टोर करेगा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 11 बिट फॉर्मेट है सीरियल इन्फॉर्मेशन का तो ये जो सर्किट है ये पहले जो है स्टार्ट बिट को डिटेक्ट करेगा स्टार्ट बिट को डिटेक्ट करने से एक काउंटर चला देगा क्योंकि स्टार्ट बिट के बाद एट बिट इन्फॉर्मेशन आ रही है सो so, जो काउंटर है वो एट क्लॉक पल्स जनरेट करेगा जिसकी मदद से हम ऐट जो इंफॉमे बिट्स हैं डेटा की वो स्टोर कर रहे हैं जो ही एट बिट्स कंप्लीट होंगी काउंटर रीसेट हो जाएगा जिसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन को एक और रजिस्टर में लैच कर देंगे आइए इस सर्किट को देखते हैं और इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं डायग्राम में एक सीरियल टू पैरल कन्वर्टर दिखाया गया जो कि एक सीरियल इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको पैरल फॉर्मेट में चेंज uh, कर रहा है और स्टोर करता है सबसे ऊपर राइट साइड पे सीरियल इन पैरल आउट रजिस्टर है जो कि एट बिट पैरल आउट रजिस्टर है सीरियल लाइन से सीरियल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करता है एज एट बिट पैरल डाटा जब एट बिट पैरल डाटा इसमें पूरा आ जाता है वो इंफॉर्मेशन शिफ्ट कर देता है एक नीचे वाले रजिस्टर में जो कि पैरल इन पैरल आउट रजिस्टर है लेफ्ट साइड पर एक जे के फ्लिप फ्लॉप लगाया गया है जो कि नेगेटिवली ट्रिगर्ड है इसका जे इनपुट वन पे है के इनपुट जीरो पे है सो so जो ही क्लॉक ट्रांजिशन आएगी क्यू आउटपुट इसका वन हो जाएगा बेसिकली जो ही सीरियल डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है स्टार्ट बिट जो है उसकी ट्रांजिशन की वजह से ये जे के फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा क्यू आउटपुट वन हो जाएगा क्यू आउटपुट क्लॉक जनरेटर के इनेबल इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो क्लॉक जनरेटर जो है क्लॉक पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा क्लॉक आउटपुट जो है सीरियल इन पैरल आउट रजिस्टर के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो क्लॉक का आउटपुट है वो कनेक्टेड है एड बिट काउंटर के साथ हर क्लॉक ट्रांजिशन पे सीरियल इन पैरल आउट रजिस्टर जो है वो एक सीरियल डाटा इन जो बिट है उसको स्टोर कर रहा है और साथ में एड बिट काउंटर जो है वो अपना काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है जो ही एड बिट काउंटर अपने पूरी स्टेट्स दैट मीन्स आठ स्टेट्स काउंट कर लेते हैं उसका टर्मिनल काउंट Uh, जो आउटपुट पिन है वो एक्टिव हो जाता है एंड गेट की मदद से जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा जब भी बिट काउंटर अपना टर्मिनल काउंट रीच कर देता है और नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजेक्शन पे एंड गेट का आउटपुट वन होगा जिसकी वजह से वन शॉट जो है वो ट्रिगर हो जाता है आउटपुट जो एंड गेट का है वो एक पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर के क्लॉक इनपुट के साथ भी कनेक्टेड है सो वन शॉट जो ही ट्रिगर हुआ वो जे के फ्लिप फ्लॉप जो ऊपर दिखाया गया उसके आउटपुट को ज़ीरो कर देगा जिसकी वजह से क्लॉक जनरेटर डिसेबल हो गया क्योंकि आठ बिट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने रिसीव कर ली हैं इसी तरह वन शॉट का जो आउटपुट है वो एट बिट काउंटर को भी रीसेट कर देता है जो एंड गेट का आउटपुट जो कि पैरल इन पैरल आउट रजिस्टर के क्लॉक एन के साथ कनेक्टेड है लोड सिग्नल जो है इस रजिस्टर का वो एक्टिव किया हुआ है ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है सो जूँ ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ जो इसके डाटा इनपुट पर है, पैरल डाटा इनपुट पे इंफॉर्मेशन है वो लैच हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी Q0 से लेके Q7 आउटपुट पे। सो दैट मींस सीरियल इंफॉर्मेशन आई और आफ्टर एट क्लॉक सिग्नल्स वो स्टोर हो गई और उसको हमने अल्टीमेटली पैरल एंड पैरल आउटपुट रजिस्टर में स्टोर कर लिया जो कि Q0 Q7 पे अवेलेबल है अभी हमने एक सीरियल टू पैरल कन्वर्टर देखा जिसमें हमने दो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं एक जो है सीरियल इन एंड पैरल आउट है एड बिट रजिस्टर है और दूसरा जो है पैरल इन और पैरल आउट अगेन एड बिट रजिस्टर है आइए अब देखते हैं एक दूसरी एप्लीकेशन को हमने शुरू में एक बात की थी हमने एक प्रायोरिटी इनकोडर यूज़ किया था जिसके साथ हमने एक की पैड कनेक्ट कर दिया था की पैड के डिजिट से ज़ीरो से नाइन सो so, जो ही कोई नंबर आप प्रेस करते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एक प्रायोरिटी इनकोडर के इनपुट को एक्टिवेट करता है और प्रायोरिटी इनकोडर के आउटपुट पे एक नंबर हमें मिलता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को जो आपने प्रेस किया सो सिंपल प्रायोरिटी इनकोडर से आप की पैड के इनपुट को इनकोड कर सकते हैं बट ये सिर्फ काम करेगा डिजिट ज़ीरो से नाइन तक जहाँ आपके पास टेन डिजिट्स हो अगर आपका कीबोर्ड है जिसमें बहुत सारी कीज हैं उनको आप कैसे इनकोड करेंगे कीबोर्ड आपने देखा है काफ़ी सारी कीज़ होती हैं उसमें ये सिंपल प्रायोरिटी इनकोडर काम नहीं करेगा उधर हमने एक सर्किट बनाना है जो रेगुलरली की बोर्ड को स्कैन कर रहा है जो कीज़ हैं उनको स्कैन करता है बेसिकली स्कैन कैसे करता है कीज़ को हमने रोज एंड कॉलम्स का एक ग्रिड बनाते हैं उसमें हमने अरेंज कर दिया सो so, रेगुलरली हम एक एक रो को एक्टिवेट करते हैं और कॉलम्स को उधर हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई पिन प्रेस हुई है कि नहीं बेसिकली कोई की प्रेस हुई है कि नहीं अगर कोई की प्रेस होती है सो so वो रो नंबर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर हम नोट कर लेते हैं और ये एक यूनिक नंबर होगा यूनिक रो नंबर होगा और यूनिक कॉलम नंबर होगा जिसकी मदद से हम उसकी को डी कर लेते हैं सो so आइए देखते हैं इसका सर्किट और डिस्कस करते हैं ये काम कैसे कर रहा है आइए देखते हैं एक कीबोर्ड इनकोडर सर्किट को जो कि 64 डिफरेंट कीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिटेक्ट करता है डायग्राम में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे 74HC195 दो शिफ्ट रजिस्टर दिखाए गए जिनको आपस में कैस्केड किया, किया हुआ है और इनको कन्फिगर किया हुआ है एज ए रिंग काउंटर अगर आप 74HC195 के ऊपर देखें पहले वाले के उधर जो पैरल डाटा इनपुट्स हैं उनको हमने प्लस वी के साथ कनेक्ट किया हुआ है सो जो ही इसको लोड करेंगे इसमें वन वैल्यू लोड हो जाएगी दूसरा जो है राइट right साइड पे जो काउंटर दिखाया गया उसके तीन डाटा इनपुट्स जो हैं वो वो वन पे कन्फिगर हैं और एक जो इनपुट है उसको ग्राउंड किया हुआ है जीरो पे सो दैट मीन्स जो ही लोड करेंगे दोनों काउंटर्स को पहले वाले काउंटर में चार वंस लोड हो जाएंगे और दूसरे वाले काउंटर में तीन वंस और एक जीरो लोड हो जाएगा अब जैसा कि सेकेंड जो काउंटर है उसके आउटपुट को देखें उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पहले वाले काउंटर के जे uh, और के बार इनपुट से दैट मीन्स आउटपुट जो है सेकेंड वाले काउंटर का वो रोटेट होके पहले वाले काउंटर के इनपुट पे आ रहा है सो so, ये रिंग काउंटर का जो पैटर्न है ये रोटेट करेगा आउटपुट पे अगर देखें पहला वाला जो काउंटर है उसके आउटपुट पे सारे वन जाएंगे दूसरा वाला जो काउंटर है उसके पहले तीन आउटपुट्स पे वन होगा और आखिरी पे ज़ीरो होगा इन दोनों काउंटर को हम पहले लोड करेंगे जो ऊपर शिफ्ट एंड लोड सिग्नल दिखाया गया उसको लो कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन लोड कर देगा रीसेट हो जाएगा उसके बाद शिफ्ट ऑपरेशन करने के लिए हम शिफ्ट लोड सिग्नल को एक्टिव हाई कर देंगे लॉजिक हाई कर देंगे दोनों शिफ्ट रजिस्टर के साथ जो क्लॉक कनेक्टेड है वो फाइव किलोहर्ट्स फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है थ्रू एन और गेट कनेक्ट किया हुआ है जो दूसरा जो इनपुट है वो इनिशियली जीरो किया हुआ है दैट मीन्स जो भी क्लॉक सिग्नल है वो और गेट के आउटपुट पे अवेलेबल है और शिफ्ट रजिस्टर जो हैं काम कर रहे हैं राइट साइड पे एक कीबोर्ड दिखाया गया है जिसकी 64 कीज़ हैं 64 कीज़ को एट रोज और एट कॉलम्स में अरेंज किया गया कॉलम्स में अगर आप देखें ऊपर आठ रजिस्टर्स लगाए गए हैं जिनका एक एंड प्लस फाइव वोल्ट के साथ कनेक्टेड है अगर इन कॉलम्स को जो स्ट्रेट लाइंस नीचे जा रही हैं ये कनेक्ट हुई हैं एक कॉलम इनकोडर के इनपुट के साथ जब कोई की प्रेस नहीं कीगी इन सारे कॉलम्स पे लॉजिक हाई आ रहा है कॉलम इनकोडर के क्योंकि इनपुट्स एक्टिव लो हैं देयरफॉर कॉलम इनकोडर के आउटपुट पे कोई नंबर नहीं आएगा बेटर सपोज के आपने जो काउंटर है उसको इनिशियलाइज किया है इसके आउटपुट पे वन 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 1 1 1 1 0 आ रहा है अगर सर्किट डायग्राम में देखें सबसे नीचे वाली रो है वो ज़ीरो है बाकी जितने भी रोज हैं वो वन पे हैं अगर आप सबसे नीचे वाला बटन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे नीचे वाली रो पे जो की है उसको प्रेस करें सो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है जो लास्ट रो है उसको पहले कॉलम के साथ कनेक्ट कर दिया गया जब आप की को प्रेस करते हैं सो जो कॉलम इनको का सबसे पहला वाला इनपुट है वो हाई की जगह लो हो गया ग्राउंड पोटेंशियल पर आ गया सो so, जो इनकोडर है उसका थ्री बिट आउटपुट है उधर एक कोड आएगा जो इस पर्टिकुलर इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसी तरह जो रो इनकोडर है उसके सारे आउटपुट्स लॉजिक वन पे हैं जो राइट वाला आउटपुट है जो आखिरी वाली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे ज़ीरो है सो so, इसके आउटपुट पे भी एक थ्री बिट कोड जनरेट होगा जो कि आखिरी वाले इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सो so बेसिकली अगर इसके फंक्शन को दोबारा देखें इन कोडर्स पे कॉन्टीन्यूस एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से जो इसमें पैटर्न है जो रिंग काउंटर बनाया हुआ है वो रोटेट हो रहा है जो ज़ीरो है वो बार बार सर्कुलेट कर रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट रोज वन एट ए टाइम सेलेक्ट हो रही हैं जो रो की इन्फॉर्मेशन है वो रो इनकोडर डी कोड कर रहा है रैदर इनकोड कर रहा है और जो कॉलम की इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम इनकोडर इनकोड कर रहा है जूँ ही कोई की प्रेस की कॉरेस्पोंडिंग कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी कॉलम uh, इनकोडर के आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी राइट right साइड पे एक नैन गेट दिखाया गया जो कि सारे कॉलम इनपुट्स के साथ कनेक्टेड है जो ही इनमें से एक कॉलम लाइन जीरो हुई लॉजिक ज़ीरो हुई नैन गेट का आउटपुट लॉजिक वन हो जाएगा नैन गेट का जो आउटपुट है वो एक वन शॉट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so, जूँ ही कोई की प्रेस हुई कॉलम ज़ीरो हुआ नैन गेट का आउटपुट वन हो गया वन शॉट ट्रिगर हो गया वन शॉट का जो एक आउटपुट है जो हाई आउटपुट है वो ऊपर जो है क्लॉक सिग्नल को डिसेबल कर रहा है दैट मींस क्लॉक सिग्नल डिसेबल होगी शिफ्ट रजिस्टर जो है वो शिफ्ट पैटर्न करना बंद कर देगा वन शॉट का जो दूसरा आउटपुट है कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो एक दूसरे वन शॉट पे जा रहा है जो अगेन ट्रिगर होगा और उसका आउटपुट जो है एक की कोड रजिस्टर जो है फोर सिक्स मिट रजिस्टर है बेसिकली जिसके इनपुट्स को वो स्टोर कर देता है पहला जो वन शॉट है उसका जो आउटपुट है जो ऊपर क्लॉक को डिसेबल कर रहा है बेसिकली ये इसलिए डिसेबल किया जाता है ताकि जो की की कोड रजिस्टर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले अगर की जो क्लॉक है उसको डिसेबल ना किया जाए देन ये इंफॉर्मेशन जो है कोई और नेक्स्ट आ जाएगी क्योंकि रो जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम भी चेंज हो रहा है अभी हमने कीबोर्ड इनकोडर देखा जिसमें हम दो शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जिनको हमने कैसकेट किया हुआ उसमें हमने एक रिंग काउंटर के तौर पे यूज़ किया उसमें एक हमने पैटर्न प्रोग्राम कर दिया जो कि रोटेट हो रहा है और बारी बारी एक रो को एक्टिवेट कर रहा है एक्टिवेट कैसे हो रही है हर रो बेसिकली जो भी रो हमने सेलेक्ट करनी है उसको हम जीरो कर देते हैं बाकी रोज जो हैं वन कर देते हैं आइए अब एक नए टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं बेसिकली प्रोग्रामेबल सिक्वेंशल लॉजिक शुरू में अगर आपको याद हो हमने पी की बात की थी पी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो सर्किट है वो अब प्रोग्राम कर सकते हैं पी में और हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था उसके जो हमने आउटपुट uh, सेल्स थे ऑल मैक्स जो थे उनको कंसडर किया था बेसिकली जो पी uh, थे उनकी अरे होती एंड गेट अरे है और गेट अरे है आउटपुट जो है वो ऑल मैक्स सर्किट वो कंट्रोल कर रहा है अब हमने सिक्वेंशल सर्किट अच्छा खासा डिस्कस कर लिया अब हम बात करते हैं पी एल डी डिवाइसेस पी एल डी में सीक्शल सर्किट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पी एल डी में सीक्शल सर्किट उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट हमने इम्प्लीमेंट किया था बेसिकली प्रोग्राम करेंगे प्रोग्रामिंग स्टेप्स भी तकरीबन वही होंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे थोड़ी सी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी बेसिकली हमने बात शुरू करनी है ऑलमैक से जैसे कि आपको पहले याद हो ऑलमैक हमने कंसिडर uh, किया था उसको हम कन्फिगर करते हैं डिफरेंट मोड्स में कॉम्बिनेशनल मोड होता है या रजिस्टर्ड मोड होता है सो बेसिकली सिक्वेंशल सर्किट प्रोग्रामिंग के लिए हम ऑलमैक को कन्फिगर कर देंगे रजिस्टर्ड मोड में सो so, आइए देखते हैं कि ये जो ऑलमैक है ये कैसे काम करता है सिक्वेंशल सर्किट्स uh, की प्रोग्रामिंग के लिए आइए देखते हैं ऑलमेक्स सर्किट को जी ए एल डिवाइस का जैसे कि हमने पहले देखा था एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे और गेट दिखाया गया है जिसका इनपुट जो है एंड अरे से आ रहा है इसका जो आउटपुट है एक डी फिफ फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है जो कि पिछली दफ़ा हमने निगलैक्ट कर दिया था क्योंकि हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स डिस्कस कर रहे थे नीचे है वन टू टू मल्टीप्लेक्सर है और राइट right साइड पे एक वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर है वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर के ऑफकोर्स चार इनपुट्स हैं दो इनपुट्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेट के ऑर्गेट uh, से आ रहे हैं एक इन्वर्टेड इनपुट है और एक नॉन इन्वर्टेड इनपुट है दूसरे जो दो इनपुट्स हैं वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर के वो डी फ्लिप्लॉप से आ रहे हैं जैसा कि एक इनपुट क्यू आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो मल्टीप्लेक्सर का इनपुट है वो क्यू बार आउटपुट के साथ कनेक्टेड है मल्टीप्लेक्सर का एक आउटपुट है जो एक ट्राई स्टेट बफर में जा रहा है ट्राई स्टेट बफर जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे या डी सेलेक्ट करेंगे

मल्टीप्लेक्सर के दोनों में से एक इनपुट कैसे सिलेक्ट करते हैं बेसिकली एस वन सेलेक्ट इनपुट से मल्टीप्लेक्सर आउटपुट जो है वो हमने फीडबैक किया हुआ है टू दी एंड अरे थ्रू ए बफर लास्ट टाइम जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिस्कस कर रहे थे तो ऑलमैक का वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर जो है उसको हमने कॉम्बिनेशनल मोड में कन्फिगर किया था दैट मीन्स जो तीसरा इनपुट है और दूसरा इनपुट जो है मल्टीप्लेक्सर का उसको हम यूज़ कर रहे थे जब हम ऑलमैक को सिक्वेंशल सर्किट्स के लिए प्रोग्राम करेंगे या कन्फिगर करेंगे तो इसको हम रजिस्टर्ड मोड में कन्फिगर करते हैं रजिस्टर्ड मोड में बेसिकली वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर का इनपुट वन एंड ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं जो कि डी फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है और इनपुट थ्री और टू को हम यूज़ नहीं करते जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है डी फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो एंड गेट और गेट और से होता हुआ आ रहा है इनपुट पर क्लॉक सिग्नल इधर नहीं दिखाया गया हर क्लॉक ट्रांजिशन पे इंफॉर्मेशन जो है डी इनपुट से क्यू आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी इस डी फ्लिप फ्लॉप के ए सिंकोनस सेट एंड क्लियर इनपुट्स भी हैं जो कि इधर नहीं दिखाए गए अब इसको ज़रा हम कंसिडर करते हैं कि ये सिक्वेंशल सर्किट कैसे बनता है सिक्वेंशल सर्किट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक कॉम्बिनेशनल पार्ट है और एक मेमरी एलिमेंट है मेमरी एलिमेंट जो है ये फ्लिप फ्लॉप में इंप्लीमेंट कर रहा है और जो कॉम्बिनेशनल पार्ट है वो एंड गेट अरे और गेट अरे इम्प्लीमेंट कर रही है जैसा कि हमने पहले देखा था सिक्वेंशल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे एक्साइटेशन इनपुट्स आते हैं जो कि एंड गेट अरे और गेट अरे प्रोवाइड कर रहा है और ये जो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रेजेंट स्टेट और एक्सटर्नल इनपुट सो एक्सटर्नल इनपुट जो है वो हम एंड गेट अरे पे अप्लाई करेंगे और जो एक्साइटेशन जो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमें क्यू बार से मिल रहे हैं जो कि वन टू टू मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड है सो एस वन को हम कन्फिगर कर देंगे सेलेक्ट इनपुट को कन्फिगर कर देंगे टू सेलेक्ट इनपुट जीरो सो जो एंड गेट अरे के इनपुट पर हमें क्यू बार की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है इसी तरह अगर आप आउटपुट पे देखें मल्टीप्लेक्सर का वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर उसका जो आउटपुट है उसमें या तो हमें क्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी या क्यू बार इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि ट्राई स्टेट बफर से होते हुए आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी सो so, अगर क्यू इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया है ट्राई स्टेट बफर क्योंकि उसको इन्वर्ट कर देता है आउटपुट पिन पे क्यू बार इन्फॉमेसन मिलेगी इसी तरह अगर क्यू बार इनपुट को सिलेक्ट किया जो कि वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर का इनपुट जीरो है आउटपुट पे हमें ऑफ कोर्स क्यू बार इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्राई स्टेट बफर उसको अगेन इन्वर्ट करके क्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा अगर इसको हमने कन्फिगर करना है एज ए मूर मशीन तो जो ट्राई स्टेट बफर का सिलेक्ट इनपुट है उसको परमानेंटली एक्टिव कर देंगे दैट मीन्स एक्सटर्नल इनपुट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा सो so, जो भी डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट होगी वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगी अगर मीली मशीन इंप्लीमेंट करनी है मिली uh, मशीन में जैसा कि uh, हमने डिस्कस किया था आउटपुट जो है डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लॉप एंड एक्सटर्नल इनपुट सो ट्राई स्टेट बफर जो है उसके सेलेक्ट इनपुट को परमानेंटली हाई नहीं करेंगे बेसिकली uh, जो एंड गेट में इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की हुए उससे ये कंट्रोल होगा एंड गेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली एक्सटर्नल इनपुट के तौर तो, पे एक्ट कर रही है सो so, आउटपुट जो है वो बेसिकली जनरेट होगा एक्सटर्नल इनपुट इन्फॉर्मेशन एंड करंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप जो कि क्यू या क्यू बार पे अवेलेबल है अभी हमने ऑलमैक के सर्किट को देखा बेसिकली हमने इसको कन्फिगर कर देना है रजिस्टर्ड मोड में रजिस्टर्ड मोड में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था आप इसलिए कन्फिगर करेंगे क्योंकि आपने इसको प्रोग्राम करना है एज ए सिक्वेंशल सर्किट सो ये तो होगी हार्डवेयर की डिटेल अब जो प्रोग्रामिंग में आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी हैं जो आ, इसको कन्फिगर करेंगी सीकेंशल सर्किट के लिए उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमने ये बताना है कि जो आउटपुट्स हैं वो कॉम्बिनेशनल आउटपुट्स नहीं हैं वो सीकुनशल आउटपुट्स हैं इसी तरह आगे हम चल के देखेंगे कि जो इन्फॉमेसन लत से आप कोई काउंटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या एक शिफ्ट रजिस्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कोई और सीक्वेंशल मशीन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो इन्फॉमेसन इनपुट फाइल में एंटर कैसे करेंगे तो अगर आपको याद हो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे या तो एक ट्रुथ टेबल से आप इनपुट कर सकते हैं या इक्वेशन की फॉर्म में कर सकते हैं इधर हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल से भी आप सिक्वेंशल मशीन की इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं या इक्वेशन बुलियन इक्वेजनस के तौर पर भी आप बता सकते हैं एक तीसरा तरीका है स्टेट डायाग्राम के थ्रू सो आइए पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सिक्वेंशल सर्किट की प्रोग्रामिंग के लिए सिक्वेंशियल सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप एक इस टाइप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि आप इनपुट फाइल में जहाँ पिन डेकोरेशन करते हैं उधर यूज़ हो रही होती है जैसा कि इधर दिखाया गया है एक्स पिन ट्वेंटी टू इज़ टाइप रजिस्टर लिखा हुआ है so, सो ये बता रही है कि एक्स जो है ये आउटपुट है और ये पिन ट्वेंटी टू पर अवेलेबल है एक्स बेसिकली एक आउटपुट वेरिएबल है इस टाइप इसकी टाइप डिफाइन की हुई है रजिस्टर्ड दैट मीन्स ये जो आउटपुट है ये एक सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट है इसके नीचे हमने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है y पिन 23 थ्री इज़ टाइप सी ओ बेसिकली ये बता रहा है कि y जो आउटपुट है पिन 23 पे अवेलेबल है और इसकी टाइप जो है ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट सी ओ एम बता रही है कॉम्बिनेशनल सर्किट सो आउटपुट इज़ कॉम्बिनेशनल टाइप नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो रजिस्टर टाइप आउटपुट है जो कि सिक्वेंशल सर्किट का आउटपुट है इसको हम एक्टिव हाई भी बना सकते हैं और एक्टिव लो भी बना सकते हैं वो कैसे हम बनाएंगे बेसिकली अगेन इनपुट फाइल में जहाँ पिन डेक्लोरेशन है उधर हम डिफाइन करेंगे सो so, पहली एग्जाम्पल है एक्स पिन ट्वेंटी टू इस टाइप रजिस्टर डॉट बफर सो ये बता रहा है कि एक्स जो है वो सिक्वेंशल आउटपुट है जो कि पिन ट्वेंटी टू पर अवेलेबल है इसकी टाइप रजिस्टर है जो कि इसको एक सिक्वेंशल सर्किट का आउटपुट बता रहा है और बफर बता रहा है कि ये एक्टिव हाई है नीचे अगर देखें लिखा हुआ है जेड पेन ट्वेंटी इस टाइप रजिस्टर्ड डॉट इन्वर्ट सो अगेन जेड इज एन आउटपुट जो कि पेन ट्वेंटी पे अवेलेबल है इसकी टाइप रजिस्टर्ड है दैट मीन्स सिक्वेंशल सर्किट का आउटपुट है और ये एक्टिव लो सिग्नल है इन्वर्ट रिप्रजेंट कर रहे हैं एक्टिव लो सिक्वेंशल सर्किट के जो ऑपरेटर हैं वो भी स्लाइटली डिफरेंट हैं सो सिक्वेंशल सर्किट के लिए जो ऑपरेटर हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कॉलन इक्वल्स टू और कॉलन ग्रेटर दैन साइन नीचे एग्जाम्पल में Uh, जो स्टेटमेंट है वो है एक्स कॉलन इक्वल्स टू डी बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स विल बी असाइन द वैल्यू डी ऑन ए क्लॉक ट्रांजेक्शन और जब तक नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजेक्शन नहीं होता ये वैल्यू असाइन रहेगी उससे नीचे हमने लिखा हुआ है वाई equals टू डी बेसिकली ये कॉम्बिनेशनल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू डी जब भी हम सिक्वेंशल सर्किट की स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ हम असाइनमेंट यूज़ करें दैट मीन्स एक्स कॉलन इक्वल्स टू डी जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स जो है इट वुड बी असाइन द स्टेट ऑफ डी ऑन ए क्लॉक ट्रांजेशन अब क्योंकि क्लॉक की वजह से ये स्टेट असाइन हो रही है तो एक और स्टेट हम स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी जहाँ हम डॉट क्लॉक यूज़ कर रहे हैं सो so बेसिकली नीचे जो डायग्राम में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्स डॉट क्लाक इज ईक्ल टू क्लाक ये बता रही है कि एक्स वेरिएबल पर जो इंफॉर्मेशन है उसी वक्त लैच होगी जब क्लाक सिग्नल आएगा अभी हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी जो हम इनपुट फाइल में प्रोग्राम करते हैं जिससे हम पी को जो ऑलमैक है उसको कन्फिगर कर देते हैं रजिस्टर्ड मोड में ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड मोड जो है उसमें हम बेसिकली uh, यूज़ कर रहे हैं फॉर सिक्वेंशल प्रोग्रामिंग सो जो स्टेटमेंट्स हैं हमने देखी इस टाइप है उसमें रजिस्टर्ड स्टेटमेंट uh, जो है वो यूज़ की फिर बफर स्टेटमेंट यूज़ की और इन्वर्ट स्टेटमेंट यूज़ की ये आइंदा भी हम यूज़ करेंगे और मज़ीद स्टेटमेंट्स आएंगी आइए इस सारे को हम ज़रा समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम चार डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हम डिफरेंट सर्किट्स जो हैं सिक्वेंशल सर्किट्स हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे तो पहला जो सर्किट है वो बेसिकली है एट बिट रजिस्टर विद इन्वर्टेड आउटपुट अभी तक जो हम रजिस्टर्स हमने बात की थी, पैल इन पैरल आउट जो भी इंफॉर्मेशन है पैरल में वो स्टोर हो जाएगी और वही इन्फॉर्मेशन आउटपुट पर आएगी इस एग्जाम्पल में हमने इस रजिस्टर को थोड़ा सा चेंज किया है पैरल इन्फॉर्मेशन लोड करेगा जो आउटपुट है उस पर इन्वर्टेड इन्फॉर्मेशन आएगी बेसिकली रजिस्टर का जो क्यू बार आउटपुट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं सो so, आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी इनपुट फाइल में हम क्या लिखेंगे और ऑल मैक के सर्किट को देखते हैं कि कौन सी पिन्स एज इनपुट काम करेंगी और कौन सी पिन्स एज आउटपुट काम करेंगी डायग्राम में एक इनपुट फाइल दिखाई गई है जो हम यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट एन एड बेट डी फिफॉप बेस्ड रजिस्टर विद इन्वर्टेड आउटपुट्स शुरू में पिन डेकोरेशन की गई हैं जिनमें पिन्स डिफाइन की गई हैं क्लॉक D0 जीरो इनपुट डी वन इनपुट डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन ये D0 से D7 जो हैं ये पैरल इनपुट्स हैं जिन पे हम डाटा अप्लाई कर रहे हैं क्लॉक जो सिग्नल है बेसिकली इधर हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसकी ट्रांजिशन की वजह से फ्लिप फ्लॉप जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ये जो वेरिएबल्स हैं ये किन पिन पे अवेलेबल हैं बेसिकली ये पिन वन से लेके नाइन्थ तक अवेलेबल हैं सो क्लॉक जो है वो पिन वन के साथ कनेक्टेड है डी जीरो से लेके डी सेवन तक जो एट इनपुट डाटा लाइंस हैं वो पिन टू से लेके पिन पेन नाइन पे अवेलेबल हैं नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो बता रही है कि आउटपुट जो हैं किन पेन्स पे अवेलेबल हैं अब है है, ये क्योंकि जो आउटपुट्स हैं ये सिक्वेंशल सर्किट की हैं तो इसके साथ हमने इस टाइप वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है सो so, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7 अवेलेबल हैं आउटपुट पेंस 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 एंड फिफ्टीन इसके साथ हमने इस टाइप रजिस्टर इन सो बेसिकली ये Q0 से Q7 जो आउटपुट्स हैं ये एक सिक्वेंशल सर्किट के आउटपुट्स हैं और ये इन्वर्टेड आउटपुट्स हैं इसलिए रजिस्टर डॉट इन्वर्ट लिखा हुआ इसके नीचे हमने जो इक्वेशन है वो बतानी है कि Q0 से लेके Q7 आउटपुट है वो कब चेंज होगा और किस की वजह से चेंज होगा सो so, डेकोरेशन जो हैं ब्रैकेट में Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 दिस इज़ इक्वल टू असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ किए सो कॉलन इक्ल्स टू इसके बाद बैकेट में डी ज़ीरो से लेके डी सेवन तक सो so, हम इधर ये बताना चाह रहे हैं किू नॉट से लेके कर क्यू सेवन की जो आउटपुट है वो आ, बेसिकली उसको असाइन हो जाएगी डी ज़ीरो से लेके कर डी सेवन तक इनपुट्स क्लाक ट्रांजेशन पे इसके नीचे हमने डॉट क्लॉक वाली स्टेटमेंट यूज़ की है सो so, से लेके डॉट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक सो बेसिकली क्यू आउटपुट्स चेंज होंगे और इसमें डी जीरो डी सेवन जो इंफॉर्मेशन वो असाइन होगी क्लॉक ट्रांजिशन पे जैसा कि ऑलमैक में देखा जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसका पॉजिटिव एच ट्रिगर क्लॉक है दूसरा जो तरीका है लॉजिकल डेक्रेशन का लिखने का वो पहले जो हमने सेट यूज़ किया था अब दूसरा तरीका जो है वो इधर दिखाया गया क्यू जीरो कॉलनस टू डी जीरो उसके नीचे क्यू जीरो डॉट क्लॉक इज इक्ल टू क्लाक सो ये इंडिविजुअली हर आउटपुट को असाइन कर रहा है सो so, पहले आउटपुट को जो कि क्यू जीरो है उसको हमने डी ज़ीरो असाइन कर दिया है ये कब असाइन होगा जू ही क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा इसी तरह क्यू वन को क्यू वन जो आउटपुट है उसको इनपुट डी वन असाइन हो जाएगा क्लॉक ट्रांजेक्शन पे सो so, इसको हम कैसे लिखेंगे क्यू वन कॉलन इक्स टू डी वन और उसके नीचे स्टेटमेंट लिखनी होगी क्यू वन डॉट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक इसी तरह आखिरी अगर आउटपुट देखें क्यू सेवन इज इक्वल टू असाइनमेंट जो है कॉल ऑपरेटर यूज किया है डी सेवन सो बेसिकली आउटपुट क्यू सेवन पे इनपुट डी सेवन असाइन हो जाएगा कब होगा जब क्लॉक ट्रांजेक्शन होगी सो क्लॉक ट्रांजेक्शन पे असाइन करने के लिए नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी क्यू सेवन डॉट क्लाक इज इक्ल टू क्लॉक आइए देखते हैं आप है ये एट पेट जो रजिस्टर है विद इनवर्टेड आउटपुट ये जो गैल डिवाइस है उस पर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया इनपुट साइट पे सबसे पहली जो पिन है उसको एज क्लॉक सिग्नल हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद D0 इनपुट है उसके नीचे D1 फिर D2 फिर D3 D4 D5 D6 एंड D7 जो तीन नीचे वाले इनपुट्स हैं उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं आउटपुट पे अगर आप देखें इनमें से हम ऑल मैक्स यूज़ कर रहे हैं हर ऑल मैक्स जो है एक आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा सो so, सबसे ऊपर वाला ऑल मैक्स जो है उसको यूज़ नहीं कर रहे उससे नीचे वाला जो है वो उसके आउटपुट पे Q0 ज़ीरो बार आ रहा है सो so, इसी तरह उसके नीचे वाला जो है Q1 वन बार फिर Q2 टू बार क्यू बार से लेके Q7 सेवन बार तक सो एट इनपुट्स हैं और एट आउटपुट्स हैं ये जो गैल डिवाइस है ये कन्फिगर हो जाएगी जब ये इनपुट फाइल को हम कंपाइल करेंगे अभी हमने एक देखा एट बिट रजिस्टर जिसके आउटपुट्स हैं वो इन्वर्टेड हैं उसकी हमने एक इनपुट फाइल देखी उसमें देखा कि किस किस्म के एक्सप्रेशंस लिखे जाएंगे और फाइनली हमने देखा कि ऑलमैक जो है बेसिकली जो गैल है उसको कैसे प्रोग्राम किया कौन सी पेंस जो हैं इनपुट्स के लिए यूज़ हो रही हैं और कौन सी पेंस जो हैं आउटपुट के लिए यूज़ हो रही हैं अभी एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं एक सीरियल इनपुट और पैरल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर सो सीरियली एन डाटा होगा और पैरल पे हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि एट बिट आउटपुट देगा अगेन इसको पहले हम देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है सिंपल गेट्स जो हैं और फ्लिप फ्लॉप की मदद से ये सर्किट कैसे बनेगा शिफ्ट रजिस्टर कैसे बनेगा उसके बाद हम इसकी इनपुट फाइल देखेंगे और उसमें इफार्मेशन देखेंगे कि किस किस्म की हमने स्टेटमेंट्स डिक्लेयर की हुई किस किस्म की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं सो आइए देखते हैं पहले सर्किट और उसके बाद इनपुट फाइल के कॉन्टेंट्स डायग्राम में एक 8 बिट सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग फ्लॉप्स एंड कॉम्बिनेशन लॉजिक इसमें सारा कंप्लीट सर्किट नहीं दिखाया गया सिर्फ पहले दो फ्लिपसलॉप्स दिखाए गए और आखिरी फ्लॉप दिखाया गया सो so, पहला जो फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप वन उसका डी इनपुट जो है वो उसको कनेक्ट किया है हमने एक एंड गेट के साथ एंड गेट के दो इनपुट्स हैं एक जो इनपुट है डाटा इनपुट जो है उधर हम सीरियल डाटा अप्लाई करते हैं और दूसरा जो इनपुट है उसको हम इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ करते हैं सो इनेबल पिन अगर ज़ीरो हो जाए एंड गेट का आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा जो मर्ज़ी डाटा हो वो दूसरे इनपुट पे आउटपुट जीरो ही रहेगा सो दैट मीन्स ये शिफ्ट रजिस्टर में ज़ीरो वैल्यूज शिफ्ट होती रहेंगी अगर आपने डाटा इनपुट को शिफ्ट इन करता करना है सो इनेबल इनपुट को वन करना होगा क्लॉक्स ऑफ़ कोर्स सारे फ्लिपसॉप्स की अगर ठीक कनेक्टेड हैं और एक्टिव हाई हैं पॉजिटिव ट्रांजिशन पे डी uh, इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिस्पेक्टिव क्यू आउटपुट पे आ जाएगी क्योंकि ये सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर है सो हमारे पास आठ आउटपुट्स हैं क्यू जीरो से लेके क्यू सेवन तक इसमें एक एडिशनल चीज दिखाई गई है जो कि इस पूरे शिफ्ट रजिस्टर को क्लियर कर देता है या रीसेट कर देता है सो so, नीचे क्लियर इनपुट है जो कि एक नॉट uh, गेट के साथ कनेक्टेड है और नॉट गेट का आउटपुट जो है क्लियर ए सेंकोनस इनपुट्स जो हैं आठ जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है बेसिकली क्लियर को जो इन्वर्टर के साथ इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि ऑल मैक में अगर आप देखें जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके ए सेंकोनस सेट इनपुट और क्लियर इनपुट एक्टिव हाई हैं नॉर्मली एक्टिव लो होते हैं ऑल मैक में एक्टिव हाई हैं अब यही जो हमने 8 बिट सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर देखा जो कि हमने एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से और कॉम्बिनेशनल uh, गेट्स uh, की मदद से बनाया था इसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग ए गैल डिवाइस सो उसकी जो इनपुट फाइल है उसको देखते हैं कि क्या हमने डिक्लोरेशंस की हुई हैं सो so, जैसा कि दिखाया गया है सबसे ऊपर मॉड्यूल हमने डिफाइन किया है उसका एक नाम दे दिया है राइट बिट शिफ्ट रजिस्टर नीचे टाइटल है एट बिट शिफ्ट रजिस्टर इन ए गैल ट्वेंटी टू डिवाइस फिर डिवाइस है हमने ये बताना है कि कौन सी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं सो so, रजिस्टर जनरल एक नाम दे दिया कि एक ये रजिस्टर डिवाइस है डिवाइस जो है एक प्री डिफाइन की है और उसके बाद पी ट्वेंटी पी जो है उसी गैल डिवाइस को गैल ट्वेंटी को रिप्रजेंट कर रहा है उसके बाद पिन डेक्लोरेशन हैं हमारे पास डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स हैं डिफरेंट आउटपुट सिग्नल्स हैं सो so, पहले हमने डिफ़ाइन किया है क्लॉक और क्लियर को सो so, क्लॉक जो है पिन वन पे अप्लाई होगी और क्लियर जो है पिन टू पे अप्लाई होगी इसी तरह जो एंड गेट के दो इनपुट्स हैं डाटा इनपुट और इनेबल इनपुट वो अवेलेबल हैं पेन्स थ्री एंड फोर पे। जो शिफ्ट रजिस्टर के आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, वो आउटपुट पेंस 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 पे अवेलेबल हैं Q0 से Q7 जो आउटपुट्स हैं क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स हैं तो हमने इस टाइप स्टेटमेंट यूज़ करनी है और साथ में बता देना है कि रजिस्टर डॉट बफर दैट मीन्स ये जो आउटपुट्स हैं ये पॉजिटिव एक्टिव हाई आउटपुट्स हैं इसके बाद इक्वेशंस डिफाइन करनी है जो कि इस सारे फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं सो so, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इट इज़ Q0 जीरो उसको असाइन किया हमने डाटा एंड इनेबल सो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है Q0 जीरो असाइन डाटा एंड इनेबल सर्किट डायग्राम में देखें क्यू ज़ीरो जो है स्टेट वो क्या होगी वो बेसिकली होगी जो भी डाटा इनपुट पे इंफॉर्मेशन है और इनेबल इनपुट पे इंफॉर्मेशन है इन दोनों का एंड होगा सो so ये कब क्यू नॉट चेंज होगा जब क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा इसी तरह नीचे जो है वो आउटपुट्स क्यू वन से लेके क्यू सेवन के लिए असाइनमेंट की गई है सो so हम डिफ़ाइन ये किया है कि क्यू वन जो है वो क्यू ज़ीरो जो स्टेट है वो अडॉप्ट कर लेगा क्लॉक ट्रांजिशन पे इसी तरह क्यू टू में जो इंफॉमेशन है वो क्यू वन की होगी क्लॉक ट्रांजिशन पे आखिरी जो है क्यू सेवन आउटपुट वो बेसिकली जो भी क्यू सिक्स आउटपुट है उसको एडोप्ट करेगा क्लॉक ट्रांजिशन पे अब ये क्योंकि एक सिक्वेंशल सर्किट के आउटपुट्स हैं क्लॉक ट्रांजेसन पे स्टेट चेंज कर रहे हैं तो नीचे जो स्टेटमेंट है डॉट क्लॉक वो हमें डिफ़ाइन करनी होगी सो so, नीचे जो स्टेटमेंट है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7 विद इन स्क्वेयर बैकेट्स डॉट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक ये डिफाइन कर रही हैं कि ये आउटपुट जो हैं क्लॉक पे ट्रिगर होंगे या नई स्टेट को अडॉप्ट करेंगे सबसे नीचे जो स्टेटमेंट है वो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 ब्रैकेट में डॉट ए आर इज इक्वल टू एक्सप्लेशन मार्क क्लियर ए आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए सिंकोनस रीसेट इनपुट क्योंकि ये आठ के आठ जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको हम रीसेट कर रहे हैं ए सिंकोनसली सो ए आर हमने डिफाइन किया हुआ है इक्व टू एक्सप्लेशन मार्क क्लियर हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि जो क्लियर इनपुट है उसको इन्वर्ट किया है और वो हमने ए सिंकोनस रीसेट इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं ये कंप्लीट ऑपरेशन जो है सीरियल एन आउट शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन उसको डिफाइन कर रही है इसके बाद हमने टेस्ट वेक्टर डिफाइन करना है जो कि इस सर्किट को टेस्ट करेगा सो टेस्ट वेक्टर में पहले ब्रैकेट में आ रहा है क्लॉक क्लियर डाटा और इनेबल ये चार इनपुट्स हैं और आउटपुट जो हैं वो बेसिकली हैं क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स एंड क्यू सेवन सो हमने चार इनपुट कॉम्बिनेशन वो डिफ़ाइन करने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स डिफ़ाइन करने हैं जो कि हम टेस्ट करेंगे सो so, सबसे पहले लाइन में क्लॉक के नीचे हमने एक्स लिखा हुआ है क्लियर के नीचे ज़ीरो लिखा हुआ है डाटा के नीचे एक्स लिखा हुआ है और इनेबल के नीचे भी एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक्स जो है डोंट केयर है अगर क्लियर ज़ीरो हो तो क्लॉक कुछ जो मर्जी हो डाटा भी जो मर्जी हो इनेबल भी जो मर्जी हो आउटपुट्स पे ज़ीरो आना चाहिए क्योंकि हमने ए सीगोनस री इनपुट को एक्टिवेट किया हुआ है सेकेंड रो को अगर आप देखें क्लॉक में सी लिखा हुआ है विद इन टू डॉट्स उसके बाद क्लियर के नीचे वन लिखा हुआ है डाटा के नीचे वन लिखा हुआ है और इनेबल के नीचे जीरो लिखा हुआ है सो बेसिकली इधर हम ये कह रहे हैं कि क्लॉक पे जो ही क्लॉक ट्रांजेसन हुआ ए सीगोनस इनपुट जो है रीसेट इनपुट जो है वो वन किया हुआ है डिसेबल किया हुआ है डाटा इनपुट पे हमने वन अप्लाई किया हुआ है जो सीरियल डाटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं इनेबल जो इनपुट है वो ज़ीरो है जैसा कि हमने ऊपर सर्किट में देखा इनेबल इनपुट जब ज़ीरो होगा तो क्लॉक आउटपुट भी ज़ीरो होगा कोई इन्फॉर्मेशन लैच नहीं होगी देर फोर क्यू ज़ीरो से लेके क्यू सेवन आउटपुट जो हैं वो जीरो ही रहेंगे जो कि पहले हमने क्लियर किए थे थर्ड रो में देखें क्लॉक जो है उसके नीचे सी लिखा हुआ है क्लियर के नीचे वन लिखा हुआ है डाटा जो है उसके नीचे जीरो लिखा हुआ है और इनेबल के नीचे वन लिखा हुआ है बेसिकली अगेन अगर आप सर्किट डायग्राम को देखें इनेबल को हमने एक्टिवेट कर दिया है पर डाटा इनपुट क्योंकि ज़ीरो है सो एंड गेट का आउटपुट ज़ीरो होगा देर फोर पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो लैच भी जीरो ही करेगा देर फोर आउटपुट्स क्यू ज़ीरो से क्यू सेवन जो हैं सारे ज़ीरो हैं फोर्थ रो में अगर देखें क्लॉक के नीचे सी लिखा हुआ है दैट मीन्स क्लॉक ट्रांजिशन पे क्लियर के नीचे वन लिखा हुआ है डाटा के नीचे भी वन लिखा हुआ है और इनेबल के नीचे भी वन लिखा हुआ है so, सो जब इनेबल वन है और डाटा वन है एंड गेट के आउटपुट पे भी वन होगा सो so, ये इन्फॉर्मेशन जो है पहला फ्लिप फ्लॉप जो है लैच कर लेगा क्यू नॉट आउटपुट पे वन आ जाना चाहिए सो so, जैसा कि आउटपुट पर दिखाया गया क्यू ज़ीरो इज़ वन क्यू वन से लेके क्यू सेवन बाकी जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए अगली जो रो है उसमें अगेन क्लॉक के नीचे सी है क्लियर वन है डाटा ज़ीरो है और इनेबल भी वन है सो so बेसिकली हम इधर ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर डाटा इनपुट ज़ीरो हो जाए नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन पे ये ज़ीरो जो है फ्लिप फ्लॉप वन के आउटपुट पे पहुंच जाना चाहिए और फ्लिप फ्लॉप वन का जो पहला आउटपुट था वो शिफ्ट कर जाना चाहिए फ्लिप फ्लॉप टू पे। सो so जैसा कि दिखाया गया है क्यू ज़ीरो के आउटपुट पर ज़ीरो आ गया ये वही है जो डाटा इनपुट पर हमने अप्लाई किया है क्यू का जो आउटपुट है वो जीरो से वन पे चेंज हो गया दैट मीन्स शिफ्ट ऑपरेशन हुआ है इसी तरह नेक्स्ट रो पे अगर जाएं क्लॉक अगेन सी है क्लियर वन है डाटा भी वन है और इनेबल भी वन है सो दिस मींस कि एक और हम डाटा वैल्यू वन जो है वो इनपुट में एंटर कर रहे हैं सो फ्लिप फ्लॉप वन का आउटपुट जो है क्यू जीरो वो वन हो जाना चाहिए दैट मींस डाटा शिफ्ट कर रहा है सो आउटपुट पर अगर आप देखें क्यू से क्यू तक क्यू जो है वो वन है क्यू वन है क्यू टू है और बाकी जो है सारे जीरोज़ हैं इस तरह नीचे इनपुट फाइल के देखें हमने मजीद टेस्ट फैक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं डिफरेंट इनपुट कंडीशन डिफाइन किए हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स डिफाइन किया हुए हैं इस इनपुट फाइल में हमने दो नई नोटेशन इंट्रोड्यूस की एक जो डॉट एक्स डॉट था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डोंट केयर कंडीशन को और एक दूसरा जो कंडीशन था डॉट सी डॉट जो कि क्लॉक के नीचे लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉक ट्रांजिशन को सो हर क्लॉक ट्रांजिशन पे जो भी इनपुट कंडीशन है अकॉर्डिंगली आउटपुट कंडीशन चेंज होंगे अभी हमने एक सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर देखा उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी इनपुट फाइल देखी नेक्स्ट जो एग्जांपल है एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री उसमें हम पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट करते हैं अगेन इसको पहले हम जो नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप्स और कॉम्बिनेशन लॉजिक की मदद से सर्किट बना के देखते हैं कि वो क्या है कैसे काम करेगा उसके बाद इसकी इनपुट फाइल देखते हैं आइए ये दोनों चीज़ें ज़रा हम डिस्कस करें डायग्राम में एक फोर बिट पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर दिखाया गया है ये वही शिफ्ट रजिस्टर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो so, इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ हमने ऐड की है जो कि है ए सिंकोनस रीसेट इनपुट सबसे नीचे एक क्लियर सिग्नल है जो कि एक नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है चारों फ्लिप फ्लॉप्स के ए सिंकोनस रीसेट इनपुट पर सो जो हम फोर बिट पैरल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी ये एक ए सिंकोनस क्लियर रीसेट uh, इनपुट होगा आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट रजिस्टर की इनपुट फाइल सो सबसे ऊपर मॉड्यूल फोर पेट शिफ्ट रजिस्टर लिखा है टाइटल में फोर पेट शिफ्ट रजिस्टर इन ए गैल ट्वेंटी डिवाइस डेकोरेशन में अगेन रजिस्टर है क्योंकि ये एक रजिस्टर डिवाइस है उसके आगे डिवाइस पी ट्वेंटी लिखा हुआ है पिन डेकोरेशन में अगेन क्लॉक एंड क्लियर इनपुट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं पिन वन एंड टू पे एस एच एल डी एक कंट्रोल सिग्नल है जिसकी मदद से हम या तो पैरल डाटा लोड कर सकते हैं या इस शिफ्ट रजिस्टर को कन्फिगर सक, कर सकते हैं कि ये शिफ्ट ऑपरेशन करे। सो एस एच एल डी जो सिग्नल है वो पेन थ्री पे अवेलेबल है चार डाटा इनपुट्स हैं जिसके थ्रू हम पैरल में डाटा इनपुट करते हैं डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री ये अवेलेबल हैं पेन फोर फाइव सिक्स सेवन पे इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इस टाइप रजिस्टर बफर इसी तरह आउटपुट्स जो हैं चार आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2 एंड Q3 ये पेन्स 14, 15, 16, 17 पे अवेलेबल हैं इसको भी हमने डिफाइन किया हुआ है इस टाइप रजिस्टर बफर नीचे इक्वेशंस में हमने चारों जो आउटपुट्स हैं उनका उनकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं सो so, क्यू जीरो जो है उसको हमने असाइन किया है डी जीरो इनपुट ऑन ए क्लॉक ट्रांजेशन इसी तरह जो क्यू वन आउटपुट है वो एज्यूम कर लेगा स्टेट Q0 जीरो एंड शिफ्ट लोड जो सिग्नल है उसके बाद और D1 वन एंड शिफ्ट लोड जो सिग्नल है उसका इन्वर्टेड अगर आप सर्किट को देखें तो ये बुलियन एक्सप्रेशन उसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है इसी तरह Q2 जो आउटपुट है वो नई स्टेट जो है वो एज्यूम करेगा डिपेंडिंग ऑन दी बुलियन एक्सप्रेशन जो है Q1 वन एंड शिफ्ट लोड सिग्नल और D2 टू एंड शिफ्ट लोड सिग्नल बार इसी तरह Q3 जो आउटपुट है उसकी भी एक सिमिलर बोलियन एक्सप्रेशन है दो नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी हुई क्यू जीरो क्यू वन क्यू डॉट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक ये बता रहा है कि Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट्स जो हैं वो नई स्टेट उस वक्त अडॉप्ट करेंगे जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा सबसे नीचे Q0, Q1, Q2, Q3 डॉट ए आर इज इक्वल टू एक्सप्लेशन मार्क क्लियर दैट मीन्स ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं एसिंगसली रीसेट हो सकते हैं जब क्लियर सिग्नल अप्लाई होगा हमने अभी फोर बिट पैरल इन सीरियल आउट रजिस्टर देखा उसको हमने पहले फ्लप्लाप की मदद से और लॉजिक गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया उसमें हमने एक एडिशन की एक क्लियर एसिंगस रीसेट इनपुट की उसके बाद हमने उसकी इनपुट फाइल देखी और उसमें जो डेकोलेशन हैं डिफरेंट वो वेखी जो इक्वेजन हमने डिफाइन की हैं जो उस ऑपरेशन को रिप्रजेंट कर रही हैं वो सारी देखी हमने टेस्ट फैक्टर्स नहीं देखे वो बहरहाल आप नोट्स देख लीजिएगा उसमें लिखे हुए हैं और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है सो डिफरेंट टेस्ट फैक्टर्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं डिफरेंट इनपुट कंडीशन हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स जो होनी चाहिए वो क्या हैं वो हमने लिखी हुई हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिस्कशन अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम